Hello everyone, you are welcome with Dr. Veerpal Singh in my class, in my today class, and its topic is गैसों का अनुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पार्ट थ्री। जी हाँ, आज आपका इस नए चैप्टर के अंदर स्वागत है, नए लेक्चर में स्वागत है। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आइए इसमें जिन पॉइंटों पर हमें विस्तार से अध्ययन करना है उन पॉइंटों के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, दीज पॉइंट्स आर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ प्रेशर फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल वॉल्यूम, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिंडे मेथड, क्लाउड मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ लिक्विफाइड गैसेस। जी हाँ, गैसों का द्रवणीकरण, द्रवणीकरण के लिए क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब की स्थितियां। जी हाँ, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर फॉर लिक्विफिकेशन। गैसों को द्रव में बदलने को द्रवणीकरण कहते हैं। इसमें गैसों को ठंडा अथवा संपीड़ित किया जाता है, जिसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और संपीड़न के फलस्वरूप अणु पास पास आ जाते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल अधिक मजबूती से कार्य करने लग जाता है और गैसें द्रव में परिवर्तित होने लग जाती हैं। इसको ही हम क्रांतिक ताप कहते हैं, और जिस दाब पर यह होता है उसे हम क्रांतिक दाब कहते हैं, जो कि गैसों के लिक्विफिकेशन के लिए आवश्यक होती हैं। और इनको एक बार से हम जान लेते हैं कि क्रांतिक ताप क्या होता है। किसी गैस के लिए वह अधिकतम ताप जिस पर उच्च दाब लगाकर गैस को द्रव में बदला जा सके, और इस ताप से अधिक ताप पर गैस को द्रवणीकरण नहीं किया जा सकता, चाहे उस पर कितना ही अधिक से अधिक दाब क्यों ना लगा लिया जाए। तो उस मिनिमम ताप को हम टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप टीसी दैट इज 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्रांतिक दाब क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर क्रांतिक दाब किसी गैस को उसके क्रांतिक ताप पर द्रवित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब उस गैस का क्रांतिक दाब कहलाता है, इसे पीसी द्वारा व्यक्त करते हैं। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्रांतिक आयतन, किसी गैस के एक मोल द्वारा क्रांतिक ताप एवं क्रांतिक दाब पर घेरा गया आयतन उसका क्रांतिक आयतन कहलाता है, जिसे वीसी से व्यक्त करते हैं। जी हाँ, अब आइए देखते हैं लिक्विड एंड क्रिटिकल फिनोमिना, द्रव और क्रांतिक घटनाएं। गैसों और द्रवों में मुख्य अंतर उनके उपस्थित उनके कणों के मध्य माध्य मीन फ्री पाथ दैट इज कॉल्ड माध्य मुक्त पथ और अंतर आणविक बल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण होता है। गैसों में अंतर आणविक बल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होता है तथा उनके कण स्वतंत्र रूप से विचरित हो सकते हैं और सभी दिशाओं में गमन कर सकते हैं। गैसों में अणुओं के मध्य द्रवों की अपेक्षा माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ बहुत अधिक होता है और इसी वजह से वो सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। द्रवों में शक्तिशाली आकर्षण बल होता है जिससे कण गैस की तरह स्वतंत्र रूप से विचलित नहीं करते और उनकी गति सीमित हो जाती है। उनका माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ गैस की अपेक्षा बहुत कम होता है। गैस तापमान कम करके और दाब को बढ़ा करके द्रव में परिवर्तित की जा सकती है। ताप का प्रभाव अधिक महत्व का होता है क्योंकि प्रत्येक गैस के लिए निश्चित ताप होता है जिसके ऊपर वह द्रवित नहीं हो सकती, चाहे जितना ही उच्च दाब क्यों न लगाया जाए। वह ताप जिससे ऊपर गैस द्रवित नहीं हो सकती और जिसके नीचे लगातार दाब बढ़ाने से रिजल्टतः द्रवीकरण हो जाता है, गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप क्रांतिक दाब पर गैस के एक मोल द्वारा घेरा गया आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्रांतिक ताप क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन के एक साथ गैस के एक साथ को सम्मिलित रूप से गैस के क्रांतिक नियतांक कहते हैं। और हम जानते हैं कि ये क्रिटिकल फिनोमेना यानी क्रांतिक घटनाएं उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होती है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसों का द्रवणीकरण उच्च दाब लगाकर और ताप कम करके गैस को द्रवित किया जा सकता है। गैस के संपीड़न से अणु एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और तापमान में कमी के कारण अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। फैराडे ने विभिन्न गैसों के द्रवणीकरण के लिए शीतलन और संपीड़न का एक साथ प्रयोग किया और उसने एक वी आकार की नली ली। इसकी एक भाग में गैस तैयार करने वाली अभिक्रिया को कराया तथा दूसरे सिरे को बर्फ में डुबाया, जिससे बनने वाली गैस अपने दाब पर द्रवित हो गई। इस प्रकार
इस प्रयोग से Cl2SO2 H2S CO2 और HCl इत्यादि द्रवित की जा सकती हैं, लेकिन O2 N2 और H2 जैसे सूक्ष्म अणु वाली गैसें द्रवित नहीं की जा सकती। इन गैसों को जो द्रवित नहीं की जा सकती आसानी से, उन्हें स्थायी गैसें कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, जो फैराडे ने किया था कि इधर टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब का एक एंड सिरा है और जिसमें कि रिएक्शन हो रही है, जिसमें कि गैस उत्पन्न होती है इस रिएक्शन में गर्म करने से, और दूसरा एंड है इसका, उसको बर्फ के अंदर डाल रखा है, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है इस गैस का तो ये गैस द्रवित हो जाती है। स्थायी गैसों का द्रवीकरण न होने का कारण एंड्रू ने बताया कि इन गैसों को क्रांतिक ताप बहुत कम होते हैं। इन गैसों के द्रवीकरण के लिए विशेष शीतलन और उच्च दाब की आवश्यकता है। सल्फर डाइऑक्साइड का वाष्पन करने से -65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त हो जाता है, जो CO2 गैस को द्रवित करने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार से द्रवीय CO2 के वाष्पन से -130 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, जो संपीड़ित O2 को द्रवित करने के लिए पर्याप्त है, और द्रवी O2 के वाष्पन से -218 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त किया जा सकता है, जो कि H2 के क्रांतिक ताप TC दैट इज -239.91 डिग्री सेंटीग्रेड से काफी अधिक है। तो इस प्रकार से गैसों को हम द्रवीकरण कर सकते हैं। गैस द्रवीकरण की विधियां, मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन। गैसों को द्रवीकरण करने के लिए दो टेक्निक्स का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रथम है शीतलन द्वारा ताप कम करके और दाब बढ़ा करके संपीड़न द्वारा गैसों को हम द्रवित कर सकते हैं, और द्रवणीकरण की दो विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वव्यापी हैं, जिनको कि हम लिंडे और क्लॉडे मेथड कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ लिंडे मेथड का स्टडी करेंगे। लिंडे द्वारा सन 1825 में शीतलन द्वारा गैस का द्रवणीकरण किया गया, और यह कार्यप्रणाली जूल थॉम्सन सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि लिंडे की जो टेक्निक है, लिंडे मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित होती है, और इस विधि में शुद्ध और शुष्क CO2 और H2O रहित गैस को कंप्रेसर द्वारा लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर संपीड़ित किया जाता है, और संपीड़ित वायु को शीतलन यानी कि अमोनिया के एटमॉस्फेयर से गुजारा जाता है, जिससे कि वायु जो है उसका तापमान गिर जाता है, और संपीड़न की क्रिया में जो ताप में वृद्धि होती है और ऊष्मा जो टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ऊष्मा में वृद्धि होती है, वह संपीड़ित वायु को एक कुंडलीकार नलिका से गुजारा जाता है, जिसके निचले सिरे पर एक जेट लगा होता है, और जेट से बाहर निकलने पर वायु का मुक्त प्रसार फ्री एक्सपांसन होता है, जिससे जूल थॉम्सन प्रभाव उत्पन्न होता है, और इस प्रभाव के कारण ताप गिर जाता है और वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी वायु अन्य नलियों को ठंडा करते हुए वापस कंप्रेसर में प्रवेश करती है, जहां संपीड़ित होकर पुनः इसी क्रम को दोहराया जाता है, और पुनः कुंडलीनुमा नली में प्रवेश कर प्रसारित होती है। प्रसार के बाद गैस का ताप और भी कम हो जाता है। इस प्रकार लगातार ये क्रम दोहराए जाने से जिससे अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न हो जाता है और वायु द्रवित होने लगती है। यह द्रवित वायु डेवार फ्लास्क में एकत्रित कर ली जाती है, और इस लिंडे टेक्निक में इस्तेमाल होने वाला जो यहाँ संयंत्र है वो इस प्रकार है कि यहाँ एक देख रहे हैं आप कि यहाँ एयर है जो शुष्क और CO2 और H2O यानी कि शुष्क और शुद्ध एयर है, फ्रेश एयर है, जो कि कंप्रेसर चैम्बर में ली जाती है, और कंप्रेसर चैम्बर से इसे कंप्रेस्ड करके और फिर यहाँ कूलर यानी कि अमोनिया के वातावरण से अमोनिया के कंडेंसर में होकर के निकाला जाता है, इससे कि कंप्रेसर के दौरान ऊष्मा और ताप में हुई वृद्धि को पुनः ठंडा वृद्धि को कम कर दिया जाता है, और इस प्रकार से इस गैस का तापमान गिर जाता है, और ये निम्न ताप वाली गैस पुनः इस
कुंडलीकृत नलिका से होती हुई इसके मुंह पर लगे हुए जेट से निम्न दाब क्षेत्र में प्रसारित होती है। बहुत सूक्ष्म अपर्चर से निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होती है, तो यहाँ जूल थॉम्सन प्रभाव की वजह से इसका टेम्परेचर गिर जाता है और ये ठंडी की हुई और ठंडी हुई ये वायु पुनः कलेक्ट होकर के कंप्रेसर चैम्बर में जाकर के उसी क्रम को दोहराती है और दोहराने से ये वापस अपना टेम्परेचर गिराती और अंत में वायु ठंडी होकर के द्रवित होने लग जाती है। ये लिंडे की विधि में इस्तेमाल किया जाने वाला संयंत्र है। अब है क्लॉडे मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसों के द्रवीकरण की यह विधि जूल थॉम्सन प्रभाव के साथ साथ रुद्रोष्म प्रसार पर भी आधारित है, यानी कि हमने जो पिछली विधि में अध्ययन किया था लिंडे टेक्निक में, वहां पर जूल थॉम्सन इफेक्ट से वायु को ठंडी किया जा रहा था, वायु को द्रवित किया जा रहा था। यहाँ पर जूल थॉम्सन इफेक्ट के साथ साथ एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन को भी इस विधि में आधार माना गया है। तो इसमें वायु को कंप्रेसर द्वारा लगभग 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कंप्रेस्ड किया जाता है और इसे पुनः ठंडा करने के लिए प्रीशीतक में से कूलर में होकर के गुजारा जाता है, जहां संपीड़ित वायु में उत्पन्न ताप और उष्मा निकल जाती है और वायु ठंडी हो जाती है। अब इस संपीड़ित वायु है वो नली के द्वारा प्रसार कक्ष में प्रवेश कर प्रसार कक्ष में भेजी जाती है, जहाँ पर कि नली है दो भागों में बट जाती है। एक भाग एक कुंडलीकृत नलिका जिसकी शरीर पर जेट लगा हुआ होता है उधर की तरफ जाती है, तथा दूसरी पार्श्व नलिका होती है। वायु का एक भाग पार्श्व नलिका द्वारा एक पिस्टन में प्रवेश करता है, जहाँ इसका रुद्रोष्म प्रसार यानी फ्री एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है और वायु पिस्टन को पीछे की ओर धकेलती है और इस धकेलने के लिए अपने स्वयं की आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, अर्थात वायु को यांत्रिक कार्य करना पड़ता है और इस हेतु वो स्वयं के आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। यहाँ इसे फ्री एडियाबेटिक एक्सपांशन कहते हैं और इसमें सिस्टम कार्य करने के लिए स्वयं की आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसका तापमान यानी कि गैस का तापमान गिर जाता है और गैसों के रुद्रोष्म प्रभाव एडियाबेटिक एक्सपांशन के कारण शीतलन द्वारा वायु ठंडी रहती है। यह ठंडी वायु पुनः कुंडलीकृत नलिका में जाकर के वायु को ठंडी करती है और यह अंतिम रूप से ठंडी वायु प्रसार कक्ष में प्रवेश कर कुंडलीकृत नलिका को ठंडा करती हुई वायु का दूसरा भाग जो कुंडलीकृत नलिका में प्रवेश करता है वो ठंडा हो जाता है, तथा कुंडलीकृत नलिका के निचले स्तर पर लगे जेट पर ये पुनः निम्न दाब क्षेत्र की तरफ अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र से प्रसार होता है और इस प्रसार की वजह से वायु और अधिक ठंडी हो जाती है, फलस्वरूप द्रव में और अधिक ठंडी हो जाती है और ये ठंडी वायु पुनः उसी चक्र को दोहरा कर अपने तापमान में अत्यधिक गिरावट उत्पन्न कर देती है और अंततः वायु द्रवित होने लग जाती है, फलस्वरूप द्रव में परिवर्तित हो जाती है और बची हुई ठंडी वायु पुनः संपीड़क में लौट जाती है और प्रक्रम लगातार चलता रहता है और संपूर्ण वायु द्रवित हो जाती है। इस प्रकार से क्लॉडे विधि में वायु को द्रवित करने के लिए जूल थॉम्सन इफेक्ट के साथ साथ फ्री एडियाबेटिक एक्सपांशन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपने देखा इस क्लॉडे टेक्निक के अंदर जो संयंत्र इस्तेमाल होता है उस संयंत्र पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि देखिए ये फ्रेश वायु है, शुष्क और शुद्ध फ्रेश वायु जो CO2 और H2O से रहित होती है और ये कंप्रेसर चैम्बर में आती है। कंप्रेसर चैम्बर में आने से इसका ताप हल्का बढ़ जाता है जो कि यहाँ कूलिंग चैम्बर से निकलता है, ये चारों तरफ कूलिंग चैम्बर होता है इसके, और तो उससे इसका गैस का तापमान गिर जाता है और कम ताप की ये गैस आगे बढ़ती है और ये एक कुंडलीकृत नलिका है उसमें जाती है और अधिकतम गैस जो ये है ये एडियाबेटिक एक्सपांशन के निम्न दाब क्षेत्र की तरफ इस पिस्टन पर कार्य करती है और इस यांत्रिक कार्य के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, अपनी आंतरिक ऊर्जा का को खर्च करती है। इस प्रकार से इसका आंतरिक ताप कम हो जाता है और अंततः इसका टेम्परेचर गिर जाता है। ये कम ताप वाली गैस
पुनः इस चैम्बर में प्रवेश करती है, जो कि इस कुंडली कृत नलिका को ठंडा करती है, और ये ठंडा की हुई गैस पुनः जब जेट से निकलती है तो ये फ्री एक्सपांसन की वजह से इसका टेम्परेचर गिर जाता है, और इस प्रकार से ठंडी हुई वायु जिसका टेम्परेचर अत्यंत कम हो जाता है पुनः इस चक्र को दोहराकर अपना टेम्परेचर कम करती रहती है और अंततः ये द्रवित हो जाती है, और इस प्रकार से वायु का द्रवीकरण क्लॉड मेथड द्वारा संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखते हैं कि वायु को किस प्रकार से हमने लिक्विफाइड किया। अब हमने इतने प्रयासों के बाद वायु को लिक्विफाइड कर लिया, तो देखते हैं इसके क्या उपयोग हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ लिक्विफाइड गैसेस, द्रवित गैसों के उपयोग। जी हाँ, द्रव वायु गैसों को शुद्ध करने में, सुखाने में प्रयुक्त होती है। गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, जैसे CO2, NH3 और डाइक्लोरोफ्लोरो और मीथेन, फ्रेयॉन्स इत्यादि, शीतलक तथा वातानुकूलन की AC एयर कंडीशनर में प्रयुक्त की जाती हैं। द्रव ऑक्सीजन चारकोल पाउडर के साथ मिलाकर विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त की जाती है। आजकल बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन और हीलियम मिलाकर वेल्डिंग के काम आती हैं। द्रव क्लोरीन ब्लीचिंग करने में प्रयुक्त की जाती है। एसीटोन एल्कोहल का द्रवित मिश्रण प्रयोगशाला में निम्न ताप उत्पन्न करने के काम में आता है। जेट और बम में द्रव वायु ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो इस प्रकार से हमने इन तमाम उपयोगों पर द्रवित गैसों के उपयोगों पर तमाम अध्ययन किया, और इस प्रकार से हमने आज के चैप्टर में जिन बिंदुओं को विस्तार से अध्ययन किया उनको आइए एक बार पुनः याद कर लेते हैं, पुनः रिवाइज कर लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिंडे मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्लोडे मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन गैसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ लिक्विफाइड गैसेस। सो वी हैव डिस्कस इन डिटेल्स। नाउ बिफोर टू से थैंक यू, आई लाइक टू रिमेम्बर यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel and press bell icon so that you get all information about my new lectures, and you can also find my all previous lecture on my YouTube channel. Thank you very much.